आपको ज्यादा मेमोराइज, कुछ जो ऐसी चीज आपने बताना चाहें जो आपको हमेशा जब आपने स्क्रिप्ट सुनी और लोग आपके पास आपको अप्रोच करने आए, आप जुड़े फिल्म से, स्टार कास्ट क्या होगी और क्या इम्प्रोवाइजेशन बाद में, वो सारी चीजें बताएं। मैं सबसे पहले सीपी में अपने सेक्टर में डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, तो 99 और 2000 में मैंने जो है डिस्ट्रीब्यूशन जो है थिएटर्स नहीं चल रहे थे, मैं दोबारा से फिल्मों में आना चाहता था और हम लोगों ने बिल्डिंग लाइन जो है स्टार्ट की 99-2000 से। 15-16 साल मुझे कभी किसी ने अप्रोच नहीं किया, बट मैं हरीश संदीप को नहीं जानता था, लेकिन अचानक एक दिन वो मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि सर हम लोग एक फिल्म करना चाहते हैं और आप अगर उसको प्रोड्यूस करते हो तो बहुत अच्छी स्टोरी है। तो मैंने इन लोगों को देखने के बाद ये मुझे बहुत ही इनोसेंट लगे, स्टोरी मैंने नहीं सुनी बट मुझे ये बहुत इनोसेंट लगे, इनका स्टोरी जो भी इन्होंने मुझे दो स्टोरी लाइन सुनाई तो मुझे ऐसा लगा कि ये फिल्म जो है वो बहुत अच्छी बन सकती है और इनका इन्वॉल्वमेंट है, इन्होंने खुद लिखी है, डायरेक्शन ये खुद करेंगे, तो मुझे ऐसा लगा कि इस सब्जेक्ट से मैं अपनी दोबारा शुरुआत कर सकता हूँ और कम बैक कर सकता हूँ। तो मैंने ये डिसाइड किया कि भाई हरीश संदीप को कि भाई आप इसको स्टार्ट करो और जो भी कास्टिंग करनी है, जो भी इसका प्रोसेस है वो स्टार्ट करके और उसको हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो इस तरह से शुरुआत हुई। इससे पहले डिस्ट्रीब्यूशन में जुड़े रहे हैं, हाँ रिलीज और री रिलीज काफ़ी मैंने फिल्में की, तो वो एक सेक्टर था, नहीं प्रोड्यूस नहीं किया, ये फर्स्ट फिल्म है और इससे मैं अपना दोबारा से कैरियर स्टार्ट कर रहा हूँ। लव डे के बारे में, लव डे, लव डे एक ऐसी फिल्म है जो मेरी जिंदगी की भी बहुत करीब है और अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है जिंदगी में भी, लाइफ में भी, बॉलीवुड में भी मेरे साथ यही हो रहा है, लेकिन क्लाइमेक्स में मेरा जो होगा वो ये फिल्म का क्लाइमेक्स है। और जिंदगी में मेरे साथ जितने भी हादसे हुए हैं कहीं ना कहीं इन लोग ने, ये मुझे कभी नहीं मिले थे, ये लोग मुझे जानते नहीं थे, लेकिन मुझे लगता है यार ये फिल्म तो मतलब मेरे लिए लिखी गई है। और वाकई में जब इसने बोला कि तुम स्टोरी सुनोगे तो तुमको ऐसा लगेगा ये फिल्म सिर्फ तुम्हारे लिए है, मैंने जब सुना तो मेरे को लगा वाकई में यार, और ये मेरे लिए नहीं है, वो सारे लड़कों के लिए है जिनको हमेशा मिसजज किया गया है दोस्ती में और जिंदगी में और घर में, और उसके बाद बंसी को लकड़ी सदा समझा किए तुम पर उसके नगमों की धुन कहां सुन सके तू। ये एक लाइन में ये फिल्म की कहानी है और ये तीन दोस्तों की कहानी है, जो तीन दोस्त, और उसमें एक जो दोस्त है जिसके वजह से पूरी जिंदगी के लग जाते हैं भाई, जहां ये जाता है मतलब लग जाते हैं, करना अच्छा जाता है और हो जाता है खराब। अब इसमें इसकी क्या गलती है भाई, ये तो आप अल्लाह ताला को बोलो, भगवान को बोलो, गॉड को बोलो। देखो मैं ये कहूंगा कि मेरे दोस्तों से मेरे को कोई गिला नहीं, लेकिन मेरे दोस्तों से अच्छे मेरे दुश्मन निकले, जो हर बात पे कहते हैं कि तेरे को छोड़ेंगे नहीं, दोस्त लोग छोड़ दिए, दुश्मन आज तक नहीं छोड़े मुझे। और दोस्ती क्या होती है, इट्स अनकंडीशनल लव, यू नो, रिश्ते आप खुद चुनते हो, मतलब आप फोर्सफुली, आपका भाई है, आपकी बहन है, आपके चाचा का लड़का है, आपका ये है, लेकिन दोस्ती आप खुद चूज करते हो ना उसको। और मैंने दोस्त सब चूज किए, उनको हमेशा मैंने जितना प्यार देना था दिया, लेकिन कहीं ना कहीं मैं मिसजज हो गया, बिकॉज आई वॉज टू अपफ्रंट एंड टू डेयरिंग टू डू थिंग्स। तो जब कुछ होता था जिंदगी में तो सब लोग बोलते थे इसने किया, तो ये फिल्म है तो आप देखेंगे तो समझ जाएंगे कि एक्चुअली में लाइफ में दोस्ती का मतलब जो आज की डेट में खत्म होता जा रहा है, दोस्ती एक्चुअली बचपन में होती है, आप देखो कॉलेज तक रहती है, कॉलेज के बाद खत्म। क्या होता है ना, हम स्कूल में रहते दोस्ती अच्छे लगते, माँ बाप बहुत बुरे लगते ना, अभी बोलेंगे पढ़ ले, अभी बोलेंगे यहाँ बैठ जा, अभी ये करेंगे, दोस्त लोग सपोर्ट करते, कॉलेज में आओ तो भी यही। तो दोस्तों की यूथ की फिल्म है, जो आज की दोस्ती खत्म होती जा रही है ना, BMW वाले को पहले मैसेज करो भाई, वो आएगा तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, इसको लाओ ये ब्लैक लेबल लेके आएगा, ये वो करेगा, ये करेगा। गरीब दोस्त को जो लोग भूल गए, मतलब मैं आपको 100% चैलेंज करता हूँ, आपके सारे अमीर दोस्तों से ज्यादा इमोशंस वो गरीब के पास होगा, 110%।
जैसे आपने बताया कि आप सबसे आगे आते थे, डेयरिंग करते थे, लोग बोलते थे किसने काम किया है, तो कुछ पहले की मेमोरीज, कोई एक दोस्त जो बहुत साथ रहा हो जिसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो, और कोई एक एक दोस्त जो बहुत बड़ा दुश्मन हो गया हो आपका, किस तरीके से हुआ, आपने आपसे ऐसा किया? मैं कभी किसी दोस्त से दुश्मनी तो नहीं की, लेकिन मैं दुश्मन मानता नहीं हूँ, लेकिन मेरा दोस्त एक है जो जिसका नाम है राशिद, जो मेरे वजह से बहुत प्रॉब्लम हुई उसकी लाइफ में, मतलब यहाँ तक के उसको थाने तक भी जाना पड़ा मेरे वजह से। वजह ये उसकी गर्लफ्रेंड थी, उसके भाई ने उसको राशिद को कुछ बोला ऐसा कुछ, तो उसने मेरे को आके बोला, मतलब बैठ पीछे जाके, फिर उसको दो कान के नीचे दिए, ब्रेकअप भी हो गया और पुलिस केस हो गया उस पर। तो वो बोलता मेरी जिंदगी में तू क्या, क्यों तूने किया, मेरे साले ने मुझे मारा, मेरी गर्लफ्रेंड थी, तूने क्यों किया वे? मैंने बोला तेरे को मारा मैं, कर दिया यार, तो इसमें गलती क्या है? तो पुलिस पे केस हो गया उसमें और वो भी हो गया। फिर उसने मुझे बहुत सपोर्ट किया, उसने अपनी, उसने क्या किया, मैंने क्या, मेरे को उसने, उसके डैडी ने उसको नया जेन दिलाया और मैं बॉम्बे आ रहा था, तो मैंने बोला एक राउंड है, मैं उसकी नई जेन लेके बॉम्बे आ गया। मतलब उसके माँ बाप ने उसको इतना मारा, तो वो ट्रेन से बॉम्बे जैन लेने के लिए आया उसकी गाड़ी, तो मैंने 3 महीना उसको यहीं रोक लिया। तो उसकी मम्मी ना वहां से फोन करके मेरे को बोलती थी हमेशा, मैं यहाँ पे आए थे पढ़वा रही हूँ तेरे लिए, तेरे को तोता बना के उड़ा देंगे ऊपर वाला, तूने मेरे बेटे की जिंदगी खराब की, तू उसकी लाइफ से चला क्यों नहीं जाता, तू क्यों उसकी जिंदगी खराब कर रहा है? मतलब क्या बोलूं यार, मैंने बेचारे की, राशिद आई लव यू ऑलवेज, यू नो दैट, एंड आई लव ऑल माई फ्रेंड्स एंड आई कीप माई एनिमी क्लोजर, यू नो, मैं अपने दुश्मनों से भी बहुत बे इंतहा प्यार करता हूँ क्योंकि वो मेरे दुश्मन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये पता चाहिए कि इन्होंने कहा कि जानते नहीं, हम दूसरे को पिछले 9-10 साल से जानते हैं। नहीं नहीं वैसे नहीं, जब स्टोरी लिख रहा था तब तो, हाँ तो, लेकिन लेकिन जब कहानी लिख रहे थे उसको, तो ये कैरेक्टर दिमाग में था ऑलरेडी, बिकॉज लेना, बिकॉज संगत का असर, एक बुरा दोस्त इससे बेटर नहीं हो सकता। तो इससे दोस्ती का पता चलेगा कि मतलब ये आपकी हर टाइम जो है तकलीफ में डालना डालना है, उसको करेगा अच्छा, लेकिन डालेगा खतरे में, तो ये यार भाई सच बोलने वाले से आप खतरे में आ जाते हो। अभी आपके हिसाब से बताओ, जनता के हिसाब से, मैंने राशिद को जिसने थप्पड़ मारे उसको 2 थप्पड़ मार के सही किया या गलत किया? सही भी और गलत भी। बस वही तो, हम तो वही तो जी रहे हैं, तो जो मुझे लगा वो सही, जो आपको लगा वो गलत। तो आप थप्पड़ खा लेते? डिपेंड करता है सिचुएशन क्या है। सिचुएशन यही है, आपकी गर्लफ्रेंड ने आपको मिलने बुलाया, आपका साला आ गया और आपका साला बोला मेरी बहन से मिलने आया, 2 थप्पड़ मारे आप। तो जो वो उस लड़की का भाई है वो अपनी तरफ से सही है, उस जगह मैं गलत हूं, मेरी भी कोई बहन होती और मुझे ऐसा कुछ सुनने को मिलता। भाई बहन को 2 थप्पड़ मारने वाला आदमी सही होता है, तुम्हारी बहन है उसको थप्पड़ मारोगे तो इससे क्यों मिलने जाती है? तुम लड़के को 2 थप्पड़ मारो उसका क्या लेना देना भाई? नहीं क्यों आएगा गुस्सा, बहन पे गुस्सा करो भाई, आपके साथ रह रही है, आपकी बहन है, आप उसको 2 थप्पड़ मारो। आप किसी के बेटे को 2 थप्पड़ नहीं मार सकते, आपकी बहन ने मिलने बुलाया आपके घर पे, भाई हम तो आए नहीं, दावत आई है मिलने, तो ये चक्कर है। ये सही और गलत में मैं जीता हूँ, कुछ कुछ कहानी ऐसी है कुछ, हाँ जिंदगी में हर चीज ऐसी है, फिल्म में भी यही है, आपको एंड में पता ही चल जाएगा कि ये सही है। लेते थे तो घर में तो नेचुरली एहसास था, वो इससे बेटर जो कैरेक्टर था नहीं, और ये टेलर मेड कैरेक्टर था उसके लिए। और फिर साहिल आनंद जो है वो टिपिकली वो जो कैरेक्टर चल रहा था हमारा सैंडी वाला, वो तो परफेक्ट जा रहा था उस पर। फिर हर्ष मिला, मतलब कास्टिंग करते करते हर्ष, या मैन कास्टिंग इज सो परफेक्ट, तो वेल स्टार्टेड इज हाफ डन कहते हैं, तो इसकी कास्टिंग इतनी परफेक्ट थी कि अपने आप ये फिल्मों को कैरी कर गए कैरेक्टर्स, हमको बोला नहीं पड़ा ये करना ही करना है, ये यूज टू अंडरस्टैंड वॉट वी वॉन्ट। साहिल की फिल्म आ रही है अभी, है अपन दावारा, he's been to some radio station,
रेडियो इंटरव्यूज आज और हर्ष नागर आई थिंक यू मस्ट बी एक्सपेक्टेड एनी टाइम लेकिन वो भी देखते हैं आप तो चले जाओगे तो हम ही जो है ये दोनों सुपर मॉडल है टीवी के कम से कम 40-50 एड इन लोग ने किया है सारी बड़ी सुपरस्टार के साथ ऐसे बहुत पेशेंस वाले लड़के हैं मतलब बहुत ही काम में बोलते हैं ना एकदम अभी उसकी एक ही फिल्म आ रही है अपना दिल तो आवारा जॉय मुखर्जी से जो एक्टर सुपर उनका बेटा है बॉय मुखर्जी उसने डायरेक्ट किया वो डायरेक्शन दिया है उसने फर्स्ट टाइम डायरेक्टर और साहिल उसमें हीरो है और हर्ष नागर अभी सोनम कपूर की आपने एड देखी होगी क्रंच की जो अभी शाहरुख के साथ डीएचएफ फिर कोका कोला मतलब दे बोथ आर बिग मॉडल्स तो दोनों किरदार में क्लासी घर के दो क्लासी लड़के होते हैं जिनको एक लड़का कैसा बिगाड़ता है ये कहानी है कहानी है ओके कितने आप स्टोरी से रोज ऑन लोकेशन भी आप स्टोरी पर काम कर रहे थे या फिर एक बार जो डन हो गया और कितनी इंप्रोवाइजेशन हो रही थी कितना फन रहा वाइल्ड शूटिंग और किस किस जगह शूटिंग हुई कितने दिनों में हो पाई शूट तो हमने देहरादून में की काफी मतलब 80% देहरादून कुछ शिमला एंड बॉम्बे एंड लोनावला तो इन सारे जगहों पर हमने शूट की और फन तो नेचुरली जब एवेंज यू आर विद एजाज देन नेचुरली एक इसमें कुछ डायलॉग मेरे भी है इसने मेरे को फ्रीडम दिया कि एजाज यू कैन बहुत सारे यार बहुत सारे हैं मतलब ऐसे हर सीन में इंप्रोवाइज करता था बहुत अच्छा करता था एंड कार्ड भी नहीं सके उसको हमको ऐसा लगता है कि आज की डेट में हमको स्पॉन्टेन एक्टर है स्पॉन्टेनियस वो ये है पता नहीं मीडिया इसको पसंद करती है नहीं करती डोंट नो बट इतना है कि मीडिया मुझसे पैसे कमाती है ब्रेकिंग न्यूज़ देख इसके इस फिल्म के बाद एटलीस्ट हां यार लेकिन पसंद करती है पसंद तो करती है बट पैसे बहुत कमाती है लेकिन इस फिल्म के बाद ही देर बैक पाइपर ये वो कौन से ऐड मिलते हैं अंबुजा सीमेंट ये वो मेरा ब्रेकिंग न्यूज डालो तो स्पॉन्सर देखो कितने सारे होते हैं अरे मेरा भाई मेरा तो हिस्सा भिजवा दो ते बड़े बड़े चैनल हो गए हम वही है अभी तक यार एजाज खान ने किया अश्लील मैसेज एजाज खान ने किया कपिल को ये एजाज अरे मेरे भाई मैं तो कुछ नहीं मैं तो खाली खाली बात कर रहा हूँ कपिल से बट ठीक है मीडिया प्यार भी करती है बदनाम हुए तो क्या हुआ नाम तो फिर भी हुआ भगत सिंह को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि देश को हम जैसे चूती के लिए फांसी लटक गए आप समझ रहे मैं मॉडर्न जमाने का भगत सिंह हूं बॉलीवुड में फाइट करूंगा चाहे वो कपिल शर्मा हो या अनिल शर्मा हो या कोई भी शर्मा हो मेरे हक के लिए मैं किसी से भी उसको रोक के उसको पूछूंगा मैं चाहे कोई भी हो मैंने मेरा काम किया है मेरा काम क्यों दिखाया नहीं जा रहा ये मेरा हक बनता है मुझे पता है उनके बारे में ऐलान जंग भूल गया हुकूमत भूल गए बहुत है मेरे भाई मैं बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया हूँ आप डायरेक्टर का नाम बोलो उसका इतिहास मैं बताता हूँ एक्टर का नाम बोलो उसका बायोडाटा मैं बताता हूँ पिक्चर बोलो मैं बताता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह इसीलिए मैंने भाई देखो डॉक्टर वही जो एक तो पढ़ के आए फिर उसके बाद एक्सपीरियंस करके आए हमने सर बहुत मेहनत की है सलमान खान अपनी जबान से खुद कहे हैं कि एजाज खान बॉलीवुड का इंसाइक्लोपीडिया है और ये मेरा टेस्ट हो चुका है हर जगह पे आप भी कर सकते हो नहीं वो तो और भी मालूम है बस अल्हम्दुलिल्लाह थैंक यू ब्रदर जानना ही चाहेंगे प्रोड्यूसर साहब से कि आप कितना पैसा लगाने के अलावा कितना इन्वॉल्व रहे और कितना जुड़ पाते थे कितना ऑन सेट आते थे आप कितना लोगों को समझाते थे या फिर आपने आपको सरेंडर कर दिया था कि जो बनाओगे नहीं इनके बारे में मैं बोलना चाहूंगा मैंने इनके जैसा प्रोड्यूसर आई थिंक ही बीट साजिद नड़ियाद वाला हो सकता ये मेरा चैलेंज है अब इसमें आप जो भी बोलो बट ये बीट करते हैं उसको क्योंकि इन्होंने पहली फिल्म बनाई और पहली फिल्म के अंदर डायरेक्टरों को इतनी प्रिविलेज दिया एक्टरों को इतना प्रिविलेज दिया हर चीज के हिसाब से इन्होंने फिल्म को इतने आराम से शूट किया उसी कॉलेज में शूट किया जहाँ पे करण जौहर की कॉलेज हुई हर वो लोकेशन जहाँ पे बड़ी फिल्में शूट होती है वहीं पे इन्होंने शूट किया देहरादून में शिमला में अगर कोरियोग्राफर ने कहा कि सर इस गाने को शिमला में करेंगे तो बहुत अच्छा होगा तो यूनिट को लेके शिमला सर एक गाना शूट करना आज की डेट में बड़ा प्रोडक्शन जाता है सर सिर्फ यश जौहर और यश बैनर और चोपड़ा जी और उदय चोपड़ा जी ये लोग जाते मतलब सर आज की डेट में शिमला यूनिट को लेके एक गाना करना आदमी बोलता सेट लगा लो बर्फ गिरेगा हो गया सब
लेकिन इन्होंने वो पैशन कि नहीं मेरी फिल्म को नेचुरल रखना है मेरे को, और आपको फिल्म के अंदर नेचुरल ब्यूटी दिखेगी। मेहनत और पैशन इनका इतना था कि मैं बता नहीं सकता हूँ। इनके साथ जो इनके बहुत ही करीबी रिश्तेदार थे उनको उस दौरान, वो भी मैडम जी हमारे, RIP मैडम जी, जहाँ भी है आप हमेशा खुश रहें, वो इस फिल्म में बहुत जुड़े हुए थे। उनको कैंसर हो गया उस दौरान, इनके बेस्ट फ्रेंड थे वो, इस फिल्म के दौरान उनकी डेथ हो गई और वो इस दुनिया में नहीं रहे, वो भी फेस किया सर ने। बच्ची बीमार हो गई, मतलब सारी चीज़ें फेस करके आदमी बोलता ना गिव अप करो यार, ये दोनों नए डायरेक्टर राजकुमार ईरानी के कैंप से आए तो क्या हो गया, क्या फर्क पड़ता है। एजाज खान क्या बिग बॉस से आए, तो मैं बिग बॉस गया, मैंने क्या हुआ, फिल्म थोड़ी सी इनको वो थी, मैं बिग बॉस का ऑर्डर है थोड़ा सा, देखो किरदार ऐसा है मेरा, बिग बॉस में मैं चला गया, सर बोले जा मैं रोकूंगा फिल्म को, बच्चों का पार्ट शूट करके दो बार जाके देहरादून और वहाँ जाके शूट करके वापस आया, मैं बिग बॉस से आया। उसके बाद फिर मेरे साथ जाके 40 दिन शूट किया, फिर गाना किया, फिर बॉम्बे में शूट किया, मतलब डायरेक्टरों को, और आपको फिल्म में दिखेगा सर, आपको फिल्म में मेहनत नहीं दिखेगा, मैं अपना नाम बदल दूंगा, वैसे भी मेरी हर फिल्म में आपको मेहनत तो दिखेगी, तो सर का ये है। और अभी भी हमारे लिए फिल्म को लेकर आने में सारी चीज़ें, सारी पब्लिसिटी जो भी है, सर एक पैर पे खड़े हुए, और सर मतलब कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, मोदी जी से लेके देश के प्रधानमंत्री से लेके सारे लोग सर को जानते हैं, सारे बड़े बाबा लोग ये ऑफिस में आगे बैठते हैं। एनी फाइनल वर्ड्स आपकी तरफ से, कुछ व्यूअर्स ये फिल्म क्यों देखें, कितनी अलग रही ये फिल्म, जो जो पसंद करते हैं, जो उसकी यादें में बिलीव करते हैं, क्या 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 चीज़ बहुत ज़्यादा उभर के आएगी, लोगों को क्यों अच्छी लगी ये फिल्म, एनी फाइनल वर्ड्स फॉर दिस। दोस्ती की फिल्म हमेशा रही है, आप देखेंगे शोले से लेकर थ्री इडियट्स तक हमेशा चली है, ये सब्जेक्ट लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और हमारी फिल्म में अलग क्या, अगर आप पूछेंगे तो हमारी फिल्म में कोई रैंचो नहीं है, लार्जर देन लाइफ कैरेक्टर नहीं है, ये तीन आप दोस्तों को देखेंगे जब तो आपको लगेगा कि कितना रियलिटी से जुड़े हुए हैं ये लोग, हर आदमी जो इनको देखेगा सोचेगा अरे मैं ये हूँ, मैं मॉन्टी हूँ, मैं सैंडी हूँ, तो ये एक यूनिकनेस है जो शायद कोई दोस्ती की फिल्म में आपने नहीं देखा होगा। आपने जय वीरू देखे, आपने रैंचो देखा है, बट आपने ये जो रियलिटी से जुड़े दोस्त मेरे ख्याल से आप पहली बार इस तरीके से देखेंगे, तो ये यूनिक चीज है। और मेन चीज क्या है कि दोस्ती, जैसे मैंने कहा ना, मैं फिर कहूंगा मेरे यारों, मेरे दोस्तों, दोस्ती बड़ी प्यारी चीज है। कॉलेज के बाद दोस्ती की वाट क्यों लगती है मालूम है, इंसान अपनी जद्दोजहद में लग जाता है, घर वाले बोलते हैं बेटा ये करो वो करो, इसका ये करो वहां से लाओ पैसे लाओ, आदमी दोस्ती निभाने के लिए तुमको वक्त चाहिए, और सबसे बड़ी चीज जो है इंसान वक्त नहीं दे पाता है, और जिस चीज में वक्त नहीं होता वो चीज खत्म होती जाती है। इसीलिए मेरे भाई लव डे के लिए वक्त निकाल के लव डे जाके देखो, आई एम श्योर तुम्हें अपनी बचपन की और कॉलेज की और सारी चीजें याद आएगी, जहां पे आप ये नहीं सोचते कि पुलिस और ये और दुनिया और मीडिया, अरे मेरा दोस्त है तो मैं हूं वरना चलो जाओ यहां से, वो दोस्ती आपको नजर आएगी और आपको बहुत मजा आएगा इंशाल्लाह।